दुरुपयोग कर रहे सत्ता का। बनवाया तो मोदी जी ने है ना राम मंदिर। खबरदार, इसी बात करी थी मोदी जी ने बनवाया। ये तो झोला छाप कहते हैं, कहाँ से लाएंगे ये पैसा? मोदी जी लेके आए राम जी को। राम भगवान तो हजारों साल पहले के थे, ये कहाँ से लेके आए? कहाँ से लेके आए? जो सच्चे राम भक्त है, नौटंकी बाज नहीं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नौटंकी बाज, नौटंकी करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं। देश की जनता दावा कर रही है मोदी जी को दरकिनार करना है। घबराहट हो गई मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री तानाशाही, झूठ बोलो, रोज बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, ये वही है। ये तानाशाही ज्यादा नहीं चलेगी, ये आपकी बस 24 तक थी, मार्च तक तानाशाही करने कर लो। मार्च के बाद 140 करोड़ की जनता आपको सत्ता से बेदखल करने वाली है, ये जनता ने तय कर ली। भाजपा गुंडे जितना करे सितम, नहीं रुकेंगे राहुल जी के कदम। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। बीजेपी सरकार जितना भी करेगी सितम, राहुल गांधी के नहीं रुकेंगे कदम, ये जो नारा है ये कांग्रेसी दे रहे हैं। जिस तरीके से असम में एक मंदिर में जाने से राहुल गांधी को रोक दिया गया और उसके बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब मोदी जी तय करेंगे अब किसको मंदिर में जाना है और किसको नहीं जाना है, इसी चीज़ पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरुण मलिक जी। सर, क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी कह रहे हैं मेरा गुनाह क्या है जो मेरे को मंदिर में जाने नहीं दिया गया। खड़गे साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी जी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, हमारे दिल्ली के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जिंदाबाद, जिनका मैं सिपाही हूँ, दिल्ली के शेर अरविंदर सिंह लवली। ये देखिए, जैसे आपने कहा, भाजपाई गुंडे जितना करेंगे सितम, नहीं रुकेंगे राहुल जी के कदम। कदम बढ़ चुके हैं, राहुल जी के कदम बढ़ चुके हैं, पीछे नहीं हटते। राहुल लोगों जी के लोगों के दिलों में पहुंच चुके हैं। घबराहट होगी मोदी जी, तानाशाही मत करो, तानाशाही मत करिए, ये तानाशाही ज्यादा नहीं चलेगी, ये आपकी बस 24 तक थी, मार्च तक तानाशाही करने कर लो। मार्च के बाद 140 करोड़ की जनता आपको सत्ता से बेदखल करने वाली है, ये जनता ने तय कर लिया है। पर मोदी जी दावे कर रहे हैं इस बार 400 पार। देश की जनता दावा कर रही है मोदी जी को दरकिनार करना है। देश की जनता दावा कर रही है मोदी जी को दरकिनार करना है। किसान दरकिनार इनको करेंगे, पहलवानों पे जुर्मों इनको दरकिनार करेंगे, फौजी इनको दरकिनार करेंगे, अग्निवीर जो राहुल जी ने कहा वो इनको दरकिनार करेंगे, महिलाओं पे जो अत्याचार हुआ है वो इनको दरकिनार करेंगे, मणिपुर वाले इसको साफ कर देंगे। जो मोदी जी राम जी को ले आए हैं तो जनता उनके साथ में नहीं हो गई है? गाइस बस करिए, राम जी को लेके आए, मोदी जी लेके आए राम जी को, आपको ये कहते हुए कि राम जी मोदी को लेके आए, आपने फोटो नहीं देखी है क्या? पोस्टर नहीं देखा है उन्होंने? हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं उनको। मैंने भी एक पोस्टर जारी किया था कि राम जी बड़े हैं, मोदी जी बड़े नहीं है। देखा नहीं मेरा पोस्टर आपने? अरे ये कौन है, कौन है मोदी जी? कितनी उम्र है मोदी जी की? 67 साल होगी, मैं भी 67 साल का हूं। राम भगवान तो हजारों साल पहले के थे, ये कहां से लेके आए? कहां से लेके आए? पूछना उनसे जाके। पूरी जनता उनके साथ है कि वो लेके आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। किसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं? लोगों के प्राण ले रहे हैं ये। मणिपुर में लोगों की जाने ले ली, वो आपको तो मोदी जी ने लिए क्या? और क्या, उनका शासन उनका है, कितनी जाने गई, क्यों खामोश रहे? निवस्त्र घुमाया गया महिलाओं को, आंसू निकले, गए वहां महिलाओं को गले लगाया, नहीं और ये आपको आप मैं देखूं देखता हूं कौन है गुनहगार, सजा दूंगा, एक शब्द निकला, अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही। तो राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, उससे न्याय मिल जाएगा क्या लोगों को? न्याय मिलेगा, लोगों के दिलों में बस रहे हैं राहुल गांधी, लोगों के दिलों में हैं। जैसे इंदिरा गांधी जी लोगों के दिलों में थी, राजीव गांधी जी लोगों के दिलों में थे, देखा ना? तो राहुल, ये घबराहट है मोदी जी सरकार में और मोदी जी नेताओं में, घबराहट पैदा हो गई है कि राहुल जी तो लोगों के दिलों में समा रहे हैं। अरे मैं ये है मोदी, किसी का है जिगरा है? चैलेंज है ओपन आपके कैमरे सामने, चैलेंज कर रहा हूँ, आ जाओ, सीना चीर के दिखाऊंगा राहुल जी बसते हैं अंदर, सीना चीर के दिखाएंगे राहुल गांधी जी बसते हैं, बसते हैं, कांग्रेस की विचारधारा बसती है, आ जाओ
है बीजेपी में किसी गुंडे में दम? आरएसएस के किसी गुंडे में दम है? गुंडा कह रहे हैं आप, आरएसएस के गुंडे, गुंडे। ये अभी वो क्या हमला करें, अभी तो राहुल जी ने दरवाजा खोला पर ऐसे दुम दुमा के भागे गीदड़ भपकी लेके, गीदड़ लोग, अभी दरवाजा खोला राहुल जी ने ऐसे भागे दुम दुमा के, अरे वो शेर है, बब्बर शेर। पर सोशल मीडिया पे कह रहे हैं न्याय नहीं अन्याय यात्रा हो रही है, वो खोदी मीडिया कह रहा है। आपका सोशल मीडिया आपका क्या जनहित है ना जी। आप कहेंगे ये क्या, ये गोदी मीडिया जो सच नहीं दिखाएगा झूठ दिखाएगा, सिर्फ झूठ। क्या है गोदी मीडिया? झूठ झूठ झूठ। वो कहते हैं ना इनके जो तानाशाही, देश के प्रधानमंत्री तानाशाही, झूठ बोलो, रोज बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, ये वही है झूठ को सच सच। लेकिन जो मंदिर में जाने का विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं राहुल गांधी जी, उसमें ये कहा जा रहा है कि वहाँ कार्यक्रम हो रहा था तभी उन्हें जाने नहीं दिया। मंदिर इनका क्या, इनका मंदिर है क्या, कॉपीराइट है क्या, ये ट्रस्टी है क्या, पैसे लेके दर्शन करेंगे क्या, पैसे लेंगे, रुपए लेंगे, डॉलर लेंगे, क्या लेंगे बताओ ना देश के लोगों को, है किसी का है, इस देश सभी का है, देश के मंदिर सभी। बीजेपी पे वार क्यों कर रहे हैं जब वहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था, रोका गया था, बीजेपी पे क्यों वार कर रहे हैं? बीजेपी क्यों झूठ फैला रही है, क्यों झूठ फैला रही है बीजेपी? ये देश में मंदिर में सिखों का उतना अधिकार है, मुसलमानों का उतना अधिकार है, क्रिश्चियन, इस देश के लोगों के सभी धर्मों में अधिकार है। आप कभी देखा, आप देखिए गुरुद्वारा साहब जाइए कभी, आपको कोई रोकेगा? 24 घंटे कभी जाइए गुरुद्वारा साहब, आपको लंगर भी मिलेगा, दर्शन भी होंगे, ये होती है भक्ति। रोकता कोई? आप गुरुद्वारे जाइए कोई रोकेगा? नहीं। किसी की मजाल है कोई रोक जाए? मस्जिद में जाइए कोई रोकेगा? किसी की मजाल है रोके? चर्च में जाइए कोई रोकेगा किसी की मजाल है? ये कौन होते हैं मंदिर में जाने के लिए तानाशाही रवैया अपनाया हुआ? ये तानाशाही नहीं चलेगी, बंद करो ये तानाशाही, बंद करिए डिक्टेटरशिप, नहीं चलेगी इस देश में। राम मंदिर में जाने के लिए सबको निमंत्रण दे रहे हैं, कहां तानाशाही कर रहे हैं? कौन ये निमंत्रण देने वाले होते हैं, कौन है वो चार जो शंकराचार्य थे उनका क्या हुआ? ये कौन से शंकराचार्य को ले आया यहाँ पर? सुना था कभी इनका नाम? सुना आपने कभी? चार शंकराचार्यों का जो अपमान किया ना शंकराचार्य जी का, आगे वाले समय में इनको भुगतना पड़ेगा। देश बहुत गुस्से में है, देश के लोग बहुत गुस्से में है, जो सच्चे राम भक्त हैं, नौटंकीबाज नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नौटंकीबाज, सच्चे राम भक्त। बीजेपी के कार्यकर्ता सच्चे राम भक्त नहीं है, नौटंकी करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं। वो राम मंदिर जाके उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। मुझे ये बताओ किसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, कौन होते हैं ये करने वाले? अरे भगवान राम ने तो मुझे प्राण दिए हुए हैं, वो जब चाहे ना कभी मेरी डोर खींच ले, वो है मालिक, वो मालिक है, राम भगवान मालिक है। रिवाज चला रहा है ना, कहां का रिवाज चल रहा है? रिवाज चला रहा है, फालतू की बात कर रहे हैं, रिवाज चला रहा है, किसके लिए रिवाज कर रहे हैं ये आप चला रहे हैं इसका रिवाज? कौन सा ये रिवाज है? ये तानाशाही बोली, तानाशाही रिवाज मत बोलिए। तो राम मंदिर से आप खुश नहीं है? लोग तो खुश हैं, जगह जगह नारे लग रहे हैं। राम मंदिर का जो ताला खोला राजीव जी ने खोला, आपको पता है ये जमीन भी दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पर बनवाया तो मोदी जी ने है ना राम मंदिर। खबरदार इसी बात करी थी, मोदी जी ने बनवाया। आपका पैसा, मेरा पैसा, देश पैसा है, दुरुपयोग कर रहे सत्ता का, सरकार के ये पैसा पैसा है सारा, मोदी जी के घर पे पैसे, ये तो धोला छाप कहते हैं, कहां से लाएंगे ये पैसा? 8,000 करोड़ के प्लेन में जाने वाले बातें कर रहे हो आप? तो देश का, सरकार का, देश का, जनता का पैसा लगाया तो बनाए भी तो राम मंदिर ना, आप लोग जाके देख सकते हैं उधर। क्यों जाए, इनके कहने पे जाएंगे? ये कौन होते हैं हमें कहने वाले? मेरी मर्जी जब जाऊं, ये कौन होते हैं कहने वाले जाइए? अरे तानाशाही बंद कर दो, ये सिर्फ मार्च अप्रैल मार्च मई तक चलेगी तानाशाही, इसके बाद देश की जनता ने सोच लिया है, किसानों ने सोच लिया है, पहलवानों ने सोच लिया है, मणिपुर वालों ने सोच लिया है, पुलवामा सैनिकों ने सोच लिया है कि मोदी जी को हटा देना। लेकिन भाजपा ने भी सोच लिया कि अब की बार मोदी सरकार। अच्छा, वो जो मर्जी कह लें, ये गोदी मीडिया कह रहा है, वो कह रहा है, वो डले नहीं, ये ना ज्योतिषपना बंद कर दें। जिन्होंने चार शंकराचार्यों का सम्मान नहीं किया उसकी बात पे कौन भरोसा करेगा? आज 140 करोड़ मोदी जी की बात पे भरोसा नहीं करते, 40 करोड़ 140 करोड़ मोदी जी की बात पे भरोसा नहीं करते,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे भरोसा नहीं करते। इवन बीजेपी के कई लोग हैं वो इन पे भरोसा नहीं करते। बीजेपी के कई कार्यकर्ता फोन पे बोलते हैं कि हमें इन पे भरोसा नहीं है, हमें इन पे भरोसा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन जनता को तो भरोसा है। कोई जनता को भरोसा नहीं, फिर आप जनता की? अरे उन्होंने मंदिर खुलवा दिया, जा रहे हैं तो लोग भरोसा जताएंगे ही, वोट अब उनके हाथ में है। अरे जो जिन्होंने संघर्ष किया वो कहाँ है? जो जाने गई वो कहाँ है? क्या संघर्ष है मोदी जी का? देश के पैसा बर्बाद कर रहे हैं, हमारा पैसा, देश का पैसा। युवा बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही। गरीब के घर में जाकर देखो कि चूल्हा कैसे जलता है। मैडम चूल्हा कैसे जलता है? सुबह कमाता है मजदूर, शाम को रोटी बनाता है। कोई महंगा राशन है, भाषण महंगा, राशन महंगा। इनके भाषण पे भी ये पैसे लेते हैं कि मैं भाषण देने आऊंगा पैसे लूंगा, मैं उद्घाटन करूंगा पैसे लूंगा, देश का पैसा बर्बाद करूंगा, 5 किलो गेहूं दूंगा, 5 करोड़ का होल्डिंग लगाऊंगा। ये है प्रचार तंत्र इनका। तो राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, अरविंदर सिंह लवली जिंदाबाद। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उन्होंने कह दिया कि भाषण महंगा, राशन महंगा, कि भाषण के भी पैसे लेते हैं अब ये मोदी जी। और मोदी जी जहां दूसरी तरफ ये प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो न्याय यात्रा में ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है कि राहुल गांधी तक को एक मंदिर में जाने नहीं दिया जा रहा है और हमला हो रहा है उस पर। और राहुल जी की जो यात्रा है ना, मणिपुर के लोगों को न्याय मिलेगा, पहलवानों को न्याय मिलेगा, पुलवामा वाले लोगों को न्याय मिलेगा, जो त्रस्त है इनसे, जो इनसे इनके तांडव से, उन सबको न्याय मिलेगा। ये न्याय की पुकार है राहुल जी की है। सच्चे हैं राहुल जी, संत हैं, बीजेपी का अंत है। तो सीधा कह दिया इन्होंने कि राहुल जी संत हैं और बीजेपी का अंत है। लेकिन ये आने वाले लोकसभा चुनाव में ही पता चलेगा कि कौन सी सरकार बनेगी और किसका अंत होने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।